भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के तीसरे लक्षण पर आते हैं। तीसरा लक्षण है सभी प्राणियों के प्रति दया। वैसे सत्यार्थकाश की दृष्टि से देखा जाए तो दया अहिंसा का विपरीत है, हिंसा का विपरीत है और अहिंसा का ही रूप है, लेकिन भगवान शिव ने इसे अलग रखा। सभी प्राणियों के प्रति दया, ऐसा कहना बहुत सरल है लेकिन उसको जीवन में निर्वाह करना उसका बहुत कठिन है। आज संसार में जितने मांसाहारी हैं वे सभी स्वयं मार करके नहीं खाते, जानवरों को स्वयं मार करके मांस नहीं खाते। अगर वे स्वयं मार के खाने लग जाएं तो उनके अंदर भी दया का भाव जगेगा और वो मांस खाना छोड़ देंगे। बाजार से खरीद के लाएंगे, होटलों में खाएंगे, स्वयं मार के खाने वाले बहुत कम होंगे। तो जो भी मांसाहारी हैं उनको मूचड़ खाना दिखाना चाहिए। जो बूचड़ खाने का दृश्य होता है, छटपटाते पशु, बहती हुई खून की नालियां, चीत्कार, करुण क्रंदन पशुओं का, अधिकांश मनुष्य इसको सह नहीं पाएंगे। खाना अलग बात है लेकिन ऐसा करना अलग है। जो हमारे देश की योजना बनाते हैं कि मछली मार करके आय बढ़ाएंगे, गायों को मार करके आय बढ़ाएंगे, भैंसों को मार करके, बकरों को मार करके, मुर्गी, सुअर, इन सब नेताओं को प्रधानमंत्री से लेकर के सांसद तक और मुख्यमंत्रियों से लेकर के विधायकों तक सबको एक बार बूचड़ खाने में अवश्य जाना चाहिए। तो हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन होगा और वे ऐसी योजना नहीं बनाएंगे जो हिंसा पर आधारित है। परमात्मा ने मनुष्य को स्वभाव से दयालु बनाया है, इसलिए वह स्वयं मार के नहीं खा सकता। कुछ ऐसे क्रूर होते हैं, वे भी सबसे पहले किसी ने मारा होगा तो उनका भी, उनके अंदर भी दया भाव आया होगा, लेकिन धीरे धीरे क्रूर होते चले गए। पशु और मनुष्य में ये अंतर है, पशु में दया भाव नहीं होता, उसके अंदर बुद्धि होती नहीं कि वो किसी पर दया करे। शेर मांस खाता है तो खाएगा, गाय अगर किसी को मारेगी तो मारेगी, दया नहीं। और गाय मारती भी नहीं, वो आत्मरक्षा कर, आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। अगर 10 पशु जा रहे हों और एक पशु कहीं गड्ढे में गिर जाए तो कोई उसे बचाएगा नहीं, वैसे उसमें बुद्धि भी नहीं बचा पाने की, लेकिन अपने परिवार का है तो वे भी शोक मनाते हैं, उनको भी दया आती। लेकिन दूसरा है तो बंदर मर जाए तो बंदर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कुत्ता मर जाए तो बंदर कोई नहीं आएगा। परिवार का भाव तो उनमें भी है, परिवार के किसी सदस्य के प्रति दया का भाव तो उनमें भी है, लेकिन ये धर्म नहीं है कि सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव हो। एक कुत्ता मर जाएगा तो और कुत्ते आ जाएंगे, लेकिन उसी के ग्रुप के। कौआ मर जाएगा तो बहुत सारे कौए शोक मनाएंगे, लेकिन वो केवल कौए के लिए, अपनी जाति के लिए। लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसके प्रति, जिसमें सबके प्रति दया का भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, इसी को धर्म कहा है। जैसे हिंसा से बड़ा अधर्म कोई नहीं है, वैसे दया से बड़ा धर्म कोई नहीं।
हिंसा की तरंगें जो भी आज संसार में हो रही हैं उनका उत्तर केवल ये है कि दया की तरंगें, करुणा की तरंगें, प्रेम की तरंगें हमारे अंदर पैदा हों। और ये पैदा जब ही होंगी जब हम हिंसा के भयंकर रूप को देख लें। एक बार मांस खाने वालों को पता ही नहीं है कि कैसे मांस मिलता है, बिना हिंसा के कोई मांस प्राप्त नहीं कर सकता। प्राणी मात्र के प्रति दया का अर्थ यह है कि दया में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पशु पक्षियों का बताया उनमें भेदभाव होता है, अपनी जाति के प्रति बंदर बंदर के प्रति भेदभाव है, लेकिन मनुष्य में वे अपनी जाति के प्रति तो दया करते हैं लेकिन मनुष्य अपनी जाति के प्रति भी दया उसमें बिल्कुल नहीं। मनुष्य मनुष्य जाति के प्रति भी दया करने लग जाए तो भी बहुत बड़ा उसका स्तर बहुत ऊंचा हो जाए, क्योंकि मनुष्य एक जाति है, इसमें जातियां बहुत बना ली, लेकिन जाति मनुष्य है। अगर मनुष्य मनुष्य के प्रति दया, आज जो अहिंसा की बात की जाती है वो अहिंसा केवल मनुष्यों तक सीमित होती है। पशुओं को मार के खाने वाले बौद्ध देश भगवान बुद्ध के अनुयायी, जो भगवान बुद्ध अहिंसा से चले थे वो सारे बौद्ध मांसाहारी कैसे हो गए, क्या कारण हुआ? शायद उन्होंने सोचा कि अहिंसा केवल मनुष्य के लिए है, अहिंसा का व्यवहार केवल मनुष्यों में ही करना चाहिए, दूसरे प्राणी तो हमारा भोजन है। अच्छी बात यह है कि जैनों ने ऐसा नहीं होने दिया, वे आज भी अहिंसा के प्रति अडिग हैं। चोरी छिपे कोई खाए तो चोरी छिपे तो कोई भी खाता है, वो अलग बात है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया जब होती है तो हमारे अंदर से दया की तरंगें प्रवाहित होती है। जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान हिंसा की तरंगों को, क्रोध की तरंगों को, ईर्ष्या की तरंगों को शांत करने में सहायक होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज शांत कर देता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, वैसे ही हिंसा और दर्द की तरंगों को प्रेम करुणा और दया की तरंगें शांत कर सकती हैं, और कोई उपाय नहीं। इसलिए मंत्र बोलते हैं संध्या में, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तंभोजम वेदधमा, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हम पर क्रोध करते हैं, या हम जिन पर क्रोध या द्वेष करते हैं वो शांत हो जाए, उसको हे ईश्वर हम तेरे न्याय रूपी दंड के लिए समर्पित करते हैं, वो शांत हो जाए। आज मनुष्य इतना बुचड़ खाने को देख के तो द्रवित हो जाएगा, पर शायद थोड़ी देर के लिए, पर बहुत सारे लोग तो बदल जाएं। लेकिन क्रूर लोग भी कितने होते हैं कि पशु को भी मारना तो हलाल करके मार, वे अहिंसा सीख ही नहीं सकते, वे दया सीख ही नहीं सकते। दया का वहां कोई शब्दकोश में दया है ही नहीं। पशु को भी मारना तो ऐसे मारना जैसे जिससे अधिक से अधिक कष्ट हो, इसको कहते हैं हलाल। कईयों को मारने में बहुत आनंद आता है, इतने भी क्रूर हैं। डाकुओं को देखो, कुछ पैसों के लिए, कुछ धन के लिए किसी भी का भी, किसी की भी हत्या कर देते हैं। बहुत होता था उत्तर प्रदेश में, अब योगी जी के आने के बाद इस पर काफ़ी नियंत्रण हुआ, यूपी बिहार दो बदनाम थे इसके लिए। कितने क्रूर होते हैं। मैंने देखा हुआ जलपाईगुड़ी में रेल की टक्कर हुई थी, कई साल हुए, करीब 450 लोग मरे थे। तो कुछ लोग मरे हुओं की जेब टटोल रहे थे, वे कैसे होते हैं?
उनका उद्देश्य ये नहीं था कि इनको निकाले, उनका उद्देश्य था जेब में से कुछ मिल जाए तो ठीक है। किसी का सोने की जंजीर उतार ली, किसी की अंगूठी उतार ली, किसी का पर्स ले लिया, ये काम वो कर रहे थे। वे भी मनुष्य। मनुष्य सबसे खतरनाक हो गया जबकि मनुष्य को परमात्मा ने सबसे अच्छा बनाया था। कोई भी प्राणी हिंसा नहीं करता, वो भोजन के लिए मारता है। मांसाहारियों को मांस के लिए खाने के लिए बनाए तो वो भूख लगेगी तो मारेगा, लेकिन मनुष्य यूं ही मारता है। दुश्मनी क्यों होती है बिना कारण के? तो सभी प्राणियों के प्रति दया, अर्थात हम ये सोचें कि सभी प्राणी सुखी हों, प्राणियों में सद्भावना हो, नारे लगाते हैं, लेकिन उस सद्भावना के लिए हम क्या करते हैं? आज भाई भाई के प्रति दया नहीं है। एक भाई बीमार पड़ा हो और एक भाई व्यापार के किसी काम से जा रहा हो, तो ऐसे बहुत से होंगे जो व्यापार के काम को रोके नहीं, भाई वाले मर जाए। महानगरों में पड़ोस में मर जाएगा तो भी किसी की कोई संवेदना नहीं होगी, कोई दया नहीं है। सबसे बड़ा धन हो गया और जो जिस धन के लिए वो सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, वे धन वो पता नहीं कब कहाँ चला जाए, तृप्ति भी नहीं होती। धन की परिभाषा होती है जिससे तृप्त हुआ जाता है। निरुक्तकार कहता है धिनोतीति सतह, जिससे तृप्त हो जाए वो धन है। लेकिन इस धन से कोई तृप्त हुआ क्या आज तक? महर्षि याज्ञवल्क ने कहा था नवित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, बृहदारण्यक उपनिषद में, वित्त से कोई तृप्त नहीं होता। अगर भोजन से तृप्ति न हो, भूख न मिटे, तो भोजन किस काम का? वो भोजन भोजन ही नहीं है। कल्पना करें, खाते रहे खाते रहे, भूख मिटे नहीं, तो वो कैसा भोजन? लेकिन धन ऐसा भोजन हो गया कि उससे तृप्ति होती ही नहीं, तो वो कैसा धन? वो निधन है। वो धन नहीं, निधन है जिससे तृप्ति न हो। तो उस निधन के लिए किसी किसी के प्रति दया नहीं। उस निधन के लिए, उस निधन को पाने के लिए दया समाप्त, प्रेम करुणा भाईचारा ये सब समाप्त कर दिया है। और आज पूरा विश्व अर्थ प्रधान, ये शिक्षा कहीं में नहीं दी जाती दया करो, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ये केमिस्ट्री का विषय नहीं, फिजिक्स का नहीं, मैथ का नहीं, जूलॉजी का नहीं, बॉटनी का नहीं, सोशल साइंस का नहीं, पॉलिटिकल साइंस का नहीं, किसी का विषय नहीं है। ये जो धर्म है वो किसी का विषय नहीं, क्योंकि ये विषय है ही नहीं धर्मनिरपेक्ष। जहाँ दया से कोई संबंध नहीं है, जहाँ सत्य से संबंध नहीं है, जहाँ करुणा से संबंध नहीं है, जहाँ प्रेम से संबंध नहीं है, जहाँ सत्य से संबंध नहीं है, ऐसा धर्मनिरपेक्ष। जो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं उनको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही नहीं पता। धर्मनिरपेक्ष अर्थात अधर्म के सापेक्ष, अथवा धर्म के प्रति उदासीन। उन्होंने संप्रदायों को, मजहबों को धर्म समझ लिया। तो सब प्राणियों के प्रति दया, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करने का प्रयास करें, नहीं कर सकते तो मन में तो करुणा जगे कि मैं किसके दुख को, किसी के दुख को कैसे दूर कर सकता हूं। किसी दुखी को देख करके हमारे हृदय में अगर दया ना आए, दया का भाव ना आए, किसी रोगी को देख करके हमारे मन में अगर सेवा का भाव ना आए, किसी नंगे को देख करके हमारे मन में ये भाव ना आए कि इसको वस्त्र दे दिए जाए, किसी भूखे को देख करके भाव ना आए कि इसे भोजन दे दिया जाए, किसी मरते हुए को देख करके हमारे अंदर ये भावना आए कि हम इसके प्राण बचाएं, तो समझना चाहिए कि हम मनुष्य नहीं, हम पशु हैं, और वो भी खूंखार पशु, खतरनाक पशु।
अगर हमें भाव नहीं आता। देने के लिए तो पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है, कि हृदय में भाव तो जगे कि मेरे पास धन होता तो मैं सबको, सबका दुख दूर करने का प्रयास करता, मैं निर्धनों की सहायता करता। सहायता का अर्थ ये भी नहीं है ऐसे ही बांटना, पुरुषार्थ करवाओ उनसे। तो दया हमारे अंदर शांति पैदा करती है। प्रश्न बोलो। ये पशु मारते हैं दूसरे को, उनसे भी अहिंसा की उसकी मदद करेंगे उसकी? पशु मारेगा आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमको भी मारने का अधिकार है। खाने के लिए जो मारते हैं, हाँ, उससे तरंग योनि उठेगी, वो क्रोधवश जो पशु मरेगा उससे तो उठेंगे, उसको तो दर्द होगा। लेकिन कोई भी मारता है वो इस प्रकार से मारता है कि तुरंत मर जाए। जैसे शेर पकड़ता है तो सीधा गला पकड़ता है, तो जब तक उसको दर्द होगा दर्द की तरंगें अवश्य उठेंगी, लेकिन शेर के अंदर से क्रोध की तरंगें नहीं उठेंगी, कि वो क्रोध बस नहीं मार रहा, वो अहंकार बस भी नहीं मार रहा, वो लोभ बस भी नहीं मार रहा, वो भूख मिटाने के लिए मार रहा। उसका पेट भर गया फिर नहीं मारेगा, देखेगा भी नहीं किसी जानवर की तरफ। लेकिन मनुष्य मारेगा, लोभ बस मारेगा, क्रोध बस मारेगा, अहंकार बस मारेगा, ईर्ष्या बस मारेगा, शत्रुता बस मारेगा, तो ये तरंगे साथ में मिल जाएंगे। अहिंसा करता वैर त्याग सबसे प्रीति करना, और दया का अर्थ है कि प्रीति करने का अर्थ है कि हम सबसे प्रेम करें। वैसे अहिंसा को देखें तो दया में समाहित हो जाता है, प्रीति होगी जब भी दया करेंगे। लेकिन अगर हमारी किसी से प्रीति नहीं है, हम किसी से मिलना भी नहीं चाहते, कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी अगर हम दुखी देख लें तो करुणा का भाव आ जाए अंदर से, तो वो दया की श्रेणी में आएगी। हमारी कोई प्रीति तो नहीं थी, कोई रास्ता चलता जानवर है उससे कोई प्रीति नहीं थी, कोई संबंध नहीं था, लेकिन दुखी देखा तो तुरंत प्रीति उमड़ आई, दया उमड़ आई। वैसे प्राणी मात्र के प्रति प्रीति में भी यही भाव होगा, जब प्रीति नहीं होगी तो दया नहीं होगी। इसलिए अहिंसा सबका मूल है, प्रीति मूल है। प्रीति नहीं होगी तो सत्य सत्य नहीं रहेगा, प्रीति नहीं होगी तो दया दया नहीं रहेगी। प्रीति तो अनिवार्य है क्योंकि अहिंसा सबका मूल है। प्रीति विस्तृत शब्द है, कोई दुखी नहीं उससे भी प्रीति करो, लेकिन दया दुखियों पर होती है। योग दर्शन में लिखा है संसार में जीने का तरीका, सज्जनों को देख करके सज्जनों से मित्रता करो और दुष्ट जनों की उपेक्षा करो और सुखी को देख करके प्रसन्न हो और दुखी को देख करके दयालु बनो। तो दया की आवश्यकता दुखी के लिए होती है, लेकिन प्रीति सबके प्रति, सुखी हो दुखी हो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो। तो आज ये धर्म का तीसरा लक्षण जो भगवान शिव ने महाभारत में बताया कि हम सभी प्राणी के प्रति दया का भाव बरतें, दया का भाव जगाएं, और सब मांसाहारियों से कहें कि अगर तुम मांस खाना है तो स्वयं मार के दिखाओ, मेरे से तो कहे वैक्सीन लगवा तो एक गाय ला के इसे मार के दिखाओ, निकालो इसमें से सीरम, क्या आपके अंदर दया है कि नहीं, या तो कह दो इसमें सीरम नहीं है और नहीं तो मार के दिखाओ। तो हम भी इस तीसरे लक्षण को अपनाएं, दयालु बने। ओम शम।